इसमें हम देखेंगे क्लास 10 का यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम मैथ है, जिसमें इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ये हमारा प्रश्नावली 1.3 के जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से एक प्रश्न अवश्य ही दो नंबर का आता है। तो दिया है हमारा सिद्ध कीजिए कि कर्णी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा 2023 सेट नंबर 7 में पेपर है 822 ZZ खंड ब में क्वेश्चन नंबर 21 का के रूप में आया है। और यही प्रश्न हमारा 2022 में सेट नंबर 4 में 822 AY वाले प्रश्न सेट में क्वेश्चन नंबर 3 का के रूप में आया है। और यही प्रश्न हमारा 2019 सेट नंबर 3 822 AX के क्वेश्चन नंबर 4 का। यदि आप ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, यानी सिद्ध करना था कि कर्णी में दो एक अपरिमेय संख्या है, तो हल में हम क्या लिखेंगे कि मानेंगे कि माना कर्णी में दो एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। फिर क्या करेंगे तो कर्णी में दो बराबर लिख देंगे a/b, क्योंकि परिमेय को a/b के रूप में लिखा जाता है। जहाँ ए बी हमारा क्या है, जहाँ ए बी सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तथा हम देखेंगे कि जो हमारा b होगा ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आगे आ जाएंगे तो दोनों ओर हम वर्ग करेंगे, तो हमारा बन जाएगा कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये बनेगा हमारा कर्णी में दो का स्क्वायर बराबर होगा a/b का होल स्क्वायर। ये बनेगा दो हो जाएगा, क्योंकि कर्णी में दो का स्क्वायर करेंगे दो हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यानी a²/b² तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा 2b² = a² अर्थात a² = 2b². यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो a² है ये देख रहे हैं कि दो से कट जाएगा, क्योंकि इसमें दो गुणनखंड है। इसका मतलब हो गया कि जहाँ a² दो से भाज्य है, अगर हमारा a² दो से भाज्य है तो a भी दो से भाज्य होगा, यानी a भी दो से कट जाएगा। तो आगे आ जाएंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, a = 2k ले लेंगे। अब यही मान हम इसमें रख देंगे, इसको हम एक बना के समीकरण, तो a के स्थान पर जहाँ k क्या मिलेगा, यानी जहाँ k एक पूर्णांक है, यानी हमने क्या माना k को पूर्णांक। अब हम क्या करेंगे, a के स्थान पर यही 2k रखेंगे तो a² है तो बन जाएगा 2k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b² तो 2 × 2 = 4, k² = 2b², 2 से भाग दे देंगे तो b² = 4k² / 2, काटेंगे तो 2k² बच जाएगा। अब हमने माना है कि एक पूर्णांक है, अगर ये पूर्णांक है इसका मतलब इसमें दो कॉमन है तो b² भी 2 से भाज्य होगा, इसलिए क्या मिला हमें, b² 2 से भाज्य है। फिर आगे आएंगे, अगर b² 2 से भाज्य है तो b भी 2 से भाज्य होगा, यानी b भी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, b 2 से भाज्य है, और यहाँ पर हमें मिला है a 2 से भाज्य है, लेकिन ऊपर हमने क्या माना था, ab सह अभाज्य हैं, और यहाँ पर उल्टा आ गया, सह अभाज्य नहीं आए क्योंकि दोनों में दो कॉमन हो गया। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे और इसको हम 3 बना लेंगे। तो आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 से, यानी क्या मिल गया, ये दोनों चूँकि दो कॉमन मिल गया है, हमने माना था दो कॉमन नहीं है और ये सह अभाज्य है, तो विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हमें क्या मिल गया,
कैणी में दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हमें सिद्ध करना था। आगे लिख देंगे यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह के वीडियो को देखना है और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए।